भूषण ज्वेलर्स। बंजार विधानसभा क्षेत्र के तहत सेंज में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। शनिवार को आयोजित इस बैठक की अध्यक्षता जिला कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष महेश शर्मा ने की। बैठक में सेंज जोन कांग्रेस के विभिन्न संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा बंजार से कांग्रेस प्रत्याशी खीमीराम की हार पर मंथन कर हार के कारणों को जानने का प्रयास किया। बैठक में बंजार विधानसभा में पार्टी संगठन को मजबूती प्रदान करने को लेकर सभी कार्यकर्ता एकमत हुए। बैठक में फैसला लिया गया कि प्रदेश नेतृत्व के निर्देशानुसार कांग्रेस संगठन को मजबूत करने के लिए सभी अग्रणी संगठनों के कार्यकर्ता एकजुटता से आगे आएंगे। बैठक को संबोधित करते हुए कांग्रेस सेवा दल के जिला अध्यक्ष महेश शर्मा ने कहा कि कार्यकर्ताओं को निराश होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कांग्रेस सेवा दल सहित सभी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि भले ही बंजार में हम सफल नहीं हो पाए हैं, लेकिन प्रदेश में कांग्रेस की प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बन चुकी है। उन्होंने कहा कि बंजार में कांग्रेस को मजबूत करने की आवश्यकता है तथा संगठन द्वारा उन बूथ प्रधानों को सम्मानित भी किया जाएगा जिन्होंने अपने बूथों से खीमीराम शर्मा को बढ़त दिलाई है। इसके उपरांत कांग्रेसियों ने प्रदेश में सरकार बनने की खुशी पर टैक्सी स्टैंड में लड्डू बांट तथा पटाखे फोड़कर जश्न भी मनाया। इस दौरान बंजार कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जय बिहारी लाल, वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोतीराम प्लासरा, गोविंद ठाकुर, महासचिव हेमराज शर्मा, जीतराम, प्रदेश महिला कांग्रेस की सचिव प्रभा लासरा, जिला सचिव तेजा सिंह, रामकृष्ण चौहान, सेंज मंडल अध्यक्ष जीवन विशिष्ट मीरा देवी, पूर्व प्रधान मोतीराम, उप प्रधान शिवराम, सेवा दल सचिव संजू विशिष्ट, युवा कांग्रेस से आकाश बीजे, एनएसयूआई के रोहित बीजे, मनीष सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने पर पूरे हिमाचल प्रदेश के वासी, जिला कुल्लू के और बंजार विधानसभा के कार्यकर्ताओं को हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो कांग्रेस की सरकार बनी है, इसमें कांग्रेस पार्टी के आम कार्यकर्ता का जो योगदान रहा है, उनके मेहनत के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है और हिमाचल प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री बना है जो जमीनी स्तर पर जुड़ा हुआ है, जिन्होंने हर संगठन एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस से लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदों पर रह के और एक आम परिवार से, और साथ में रानी प्रतिभा सिंह जी जो हमारी सांसद भी है, प्रदेश अध्यक्ष भी है, उनके आशीर्वाद से, सोनिया गांधी जी के आशीर्वाद से, राहुल गांधी जी के आशीर्वाद से उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर नवाजा गया, उसके लिए हम उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं। और साथ में ही जो उप मुख्यमंत्री अग्निहोत्री जी बने हैं, उन्होंने भी विपक्ष की भूमिका बड़ी बखूबी निभाई है, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनने पर हम हार्दिक बधाई देते हैं। और साथ ही में जो हमारे बंजार विधानसभा के कार्यकर्ताओं ने जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी पंडित खीमीराम जी के पक्ष में वोटिंग की है, उसके लिए भी मैं कांग्रेस पार्टी के बंजार विधानसभा के कार्यकर्ताओं का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं। ब्यूरो रिपोर्ट, ENTV। ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए ENTV के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें। भूषण ज्वेलर्स, अनमोल रिश्तों के लिए।